डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल टू है और एग्जाम्पल टू में जो क्वेश्चन दिया गया उसके बेस पे हम देख लेते हैं कि कैसे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जिसमें केस भी मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑप्टेन आर एल और टॉप ऑफ टेन स्टोरी, बात किया टेन स्टोरी बिल्डिंग है जिसके टॉप का आर एल मुझे चाहिए। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिसमें क्या दिया है, ए इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग ऑफ बेंचमार्क दिया है, उसका वर्टिकल एंगल दिया है। तो देखिए वर्टिकल एंगल देख के मुझे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि वर्टिकल एंगल अगर दिया है जिसका एंगल ज्यादा मतलब वो ऑब्जेक्ट के करीब, 19 डिग्री 48 मिनट है या 14 डिग्री 25 मिनट है, तो ये ऑब्जेक्ट के कौन नजदीक होगा, ये इसके नजदीक होगा, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों जो लिए गए हैं आर एल ऑफ बेंच मार्क उसका 500 मीटर से लिया गया, बी का भी यहाँ पर दिया गया है। और ये जो रीडिंग ऑफ बेंच मार्क ये डिसाइड करता है कि किसकी हाइट एक्सिस, जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस है किसकी हाइट ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होता है, ये 2.65 ज्यादा है तो ये उसकी हाइट ज्यादा होगी। अब आगे कंडीशन देख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 50 मीटर दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ, ए बी बेंच मार्क एंड द बिल्डिंग आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, इसमें भी सेम वर्टिकल प्लेन है, सेम वर्टिकल प्लेन में मतलब हम सेम वैसे ही ड्रॉ कर देंगे ऐसे हैं। यहाँ का बेंच मार्क हमारा दिया हुआ है, ये बी एम है जिसका आर एल हमें दिया है 500 मीटर दे दिया है, देखिए आर एल ऑफ बेंच मार्क 500 मीटर ये दे दिया है, ठीक है। उसके बाद से मैंने पहले ही बताया कि दोनों का एंगल किसका है ज्यादा, ये है मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा मान लो ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। 10 स्टोरी बिल्डिंग वही सेम कंडीशन, यहाँ का टॉप का मैंने पी पॉइंट ले लिया, ओके ठीक है, और एक ही पॉइंट में होने चाहिए, जिसका एंगल ज्यादा वो ऑब्जेक्ट के करीब, ये ऑब्जेक्ट के ए वाला ऑब्जेक्ट के पहले और बी वाला इधर होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, मतलब ये देखिए इसकी हाइट ज्यादा है मतलब इनके इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की हाइट ज्यादा होगी और इसके इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस की हाइट कम होगी, ये ध्यान रखने का है। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया, ओके। और उसके बाद से जब मैंने स्टाफ को रखा यहाँ पे तो ए का जो देख रहे हैं, देखिए ए का मैं अगर देखूं बनाया मैंने तो ए वाला जो मैंने बनाया वहां से यहां से एच वन डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी एक्सिस से एच वन डिस्टेंस, और ये रीडिंग कितनी आ रही है 2.625 पे आई। उसके बाद से जब इसकी एक्सिस को देख रहे हैं हम तो इसकी एक्सिस पे मान लिया यहाँ पे H2 आया, ये H2 आया और इसकी रीडिंग कितनी आई 1.510 आया है, ठीक है, B से लिया गया। अब एंगल बना देते हैं हम, ये मैंने एंगल बनाया, ठीक है, तो पहला जो एंगल बनाया है वो अल्फा 1 और कितना दिया है 19 डिग्री 48 मिनट 8 मिनट। फिर दूसरा जब मैंने बनाया तो मेरा एंगल कितना आ रहा है 14 डिग्री 25 मिनट। इस तरीके से ये फिगर बन जाता है। उसके बाद से वही ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को लेना है, ठीक है, नाम रख देते हैं, यहाँ पे ए डैश कर दिया, यहाँ पे बी डैश कर दिया, यहाँ पर ए डैश है तो यहाँ पर सी डैश ले लिया, यहाँ पर क्यू ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया। उसके बाद से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि अगर मान लो कि ये H2 मिल जाता है तो ये ऐड करके और ये ऐड कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, या तो अगर H1 मिल रहा है तो मुझे 2.65 इसमें ऐड करना पड़ेगा 500 में, फिर H1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो कोई भी ये A और B के बीच का मान लो मैंने B माना है जिसका डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, पहले ही बोल दिया है 50 मीटर है और सेम वर्टिकल प्लेन मतलब एक ही लाइन में है, तो कॉन्सेप्ट वही अपनाना है। पहला ट्राइंगल ये ले लो अल्फा 1 का, कौन सा ट्राइंगल है ए डैश सी डैश पी, इन ट्राइंगल ए डैश सी डैश पी जब लेते हो तो क्या आ रहा है 10 अल्फा 1 अगर लेते हैं क्या हो जाएगा, ये H1 अपन ये D है, इनके बीच का डिस्टेंस ये D है तो D आ गया, तो H1 इक्वल टू क्या हो गया D 10 अल्फा 1 हो गया, ये एक मिला आपको। दूसरा ट्राइंगल ले रहे हो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ये मैंने लिया बी डैश क्यू पी, बी डैश क्यू पी जब मैंने लिया तो यहां पे जब मैं 10 अल्फा 2 ले रहा हूं तो यहां पर क्या बन रहा है ये H2
अपॉन यहां से बी प्लस डी, बी प्लस डी, तो एच टी इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस डी टेन अल्फा टू, ये मिल गया। यहां पर एच टू की वैल्यू मिल गया। अब यहां पर ध्यान दें कि एच टू में से एच वन माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर वो कंडीशन अपनाना है, क्या करना है, एच टू माइनस एच वन करना है। एच टू माइनस एच वन किया मतलब मैंने एच डी मान लिया उसको, और यहां पर क्या हो रहा है, एच टू ये है मतलब बी प्लस डी टेन अल्फा टू है माइनस डी टेन अल्फा वन है अपॉन, सॉरी ये तो हाइट में मुझे लेना है, नहीं नहीं ये हो गया, ये मैंने लिया कंडीशन एच डी ले लिया, अपन में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि मैंने एच वन माइनस एच टू माइनस एच वन किया है। तो अभी इसकी वैल्यू एच डी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं, बी टेन अल्फा टू हो गया और यहाँ पे डी टेन अल्फा टू जब ब्रेक किए तो यहाँ माइनस डी टेन अल्फा वन। अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बी टेन अल्फा टू है d वाला इधर रख देते हैं, b tan alpha 2 इधर अगर मैं करता हूं तो hd माइनस हो जाएगा b tan alpha 2, और यहां पे d कॉमन कर लिए तो tan alpha 2 माइनस tan alpha 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या कर दिया, इसको मैं इस तरफ कर लूंगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d इक्वल टू मेरा आ गया hd माइनस b tan alpha 2 अपॉन tan alpha 2 माइनस alpha 1 है, ये ध्यान रखना है। तो D की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ D की वैल्यू, क्योंकि D ही तो इम्पोर्टेंट है, इसमें रख दूंगा मैं तो H1 मिल गया, और H1 मिल गया तो मैं RL फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो D की HD की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट 2.625 माइनस 1.7 सॉरी 1.510 है, 1.510 ये HD की वैल्यू, माइनस B की वैल्यू कितनी है 50, और फिर बाद में tan अल्फा 2 की वैल्यू tan 14 डिग्री 25 मिनट है, और डिवाइड बाय tan अल्फा 2 ना, tan 14 डिग्री 25 मिनट माइनस tan 19 डिग्री 48 मिनट। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि कैलसी नहीं यूज करने आता है। पहले तो ये कर लेंगे, क्या वैल्यू दिया है 2.625 माइनस 1.510, ये सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू मिल गई, उसमें से माइनस करना है ये 50 10 क्या दिया 14 डिग्री ना 14 डिग्री, तो देखो 14 और एक बार इसको क्लिक किए तो डिग्री हुआ, फिर 25 दूसरी बार क्लिक किए तो मिनट हुआ, और सेकंड भी दिया हो तो इसको क्लिक करके करोगे तो सेकंड भी आ जाएगा, इतना हो गया। ये वैल्यू मैंने इसको क्लिक किया, इक्वल क्लिक किए तो वैल्यू आ गया इतना, और किसमें आया माइनस में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू माइनस में है। फिर मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड किया ब्रैकेट में ये लिख दिया टेन 14 डिग्री 25 मिनट ऐसे कर दिया, फिर माइनस टेन 19 डिग्री 48 मिनट ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद मेरा देखो वैल्यू प्लस में आ गया, और d डिस्टेंस प्लस में ही होता है, तो 114.0 मीटर आ गया, ये मेरा डिस्टेंस मिल गया, ये d की, तो ये d की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, वही कर देता हूँ, d tan अल्फा 1 है तो h1 इक्वल टू d tan अल्फा 1, d कितना आया मेरा 114.01 में tan अल्फा 1 की वैल्यू है 19 डिग्री 48 मिनट, कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो वैल्यू है वो आया हुआ है, तो पहले तो क्या कर लेंगे, मैं ये जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, तो देखिए आंसर के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर टेन 19 डिग्री 48 मिनट, फिर क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे तो H1 की वैल्यू मिल गया 41.047 मीटर, मुझे H1 मिल गया। और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है कि H1 मुझे मिला है तो मुझे बेंचमार्क में ये 2.65 कितना है, रीडिंग ऑफ बेंचमार्क एट स्टेशन ए, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन ए से जो रीडिंग ऑफ बेंचमार्क आया है वो ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस रीडिंग ऑफ बेंचमार्क फ्रॉम ए, और ए से फिर उसके बाद से ये H1 ऐड कर देंगे तो RL ऑफ P मिल जाएगा।
मतलब मैं क्या लिखूंगा, पी नहीं आर एल ऑफ टॉप ऑफ 10 स्टोरी बिल्डिंग, इसकी चाहिए मुझे, तो उसका क्या होगा आर एल ऑफ पहले बेंचमार्क, फिर क्या होगा, फिर बाद में बी एस लिख सकते हो या रीडिंग ऑन बेंचमार्क, रीडिंग ऑफ बेंचमार्क या रीडिंग ऑन स्टेशन ए लिख सकते हो, स्टेशन ए, जो स्टेशन ए से जो रीडिंग लिया गया था, अब प्लस एच वन कर देना है, इसका 500 है, इसका 2 पॉइंट कितना दिया हुआ रीडिंग 2.625, और उसके बाद से ये ऐड कर देना 41.047। देखिए मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये तो पहले एक आया हुआ है, फिर इसमें ऐड करना है 2.625 ऐड कर दिए, फिर प्लस ये 500 ऐड कर देना है, ये ऐड किए और इक्वल आ गया आपका 543.67 मीटर। ये आपका आर एल ऑफ द टॉप 10 स्टोरी बिल्डिंग, 10 स्टोरी बिल्डिंग का टॉप का टावर जो है 10 स्टोरी बिल्डिंग उसके टॉप का आर एल इतना हो जाएगा। इस तरीके से जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही ध्यान रखने का कि कैसे ये बनेगा, यहाँ पर पहला ध्यान रखने का कि जिसका एंगल ज्यादा हो वो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, ठीक है, इसमें जिसकी रीडिंग ज्यादा हो वो ऊपर रहेगा, उसके इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का लेवल ऊपर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो इजिली आपको सब समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखने का। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बोला है कि सभी क्या है सेम वर्टिकल प्लेन में हो तब ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशन कब होगा कि जब तीनों एक ही लाइन में हो, सेम वर्टिकल प्लेन में हो। दूसरा आपको इसमें ये पहले ए रखेंगे कि बी रखेंगे वो डिसाइड करेंगे, एंगल जिसका एंगल ज्यादा वो ऑब्जेक्ट के करीब, जिसका एंगल कम वो ऑब्जेक्ट के दूर। ये अगर रीडिंग की बात करूं तो ये किसका हाइट ज्यादा होगा किसका कम होगा सेम भी दे देता है कभी कभी, सेम होना मतलब दोनों का एक्सिस का लेवल सेम है, ठीक है, एक्सिस लेवल सेम है, तो ये दोनों का अलग अलग है। कई बार ये लिखा नहीं होता है और लिख दिया होता है कि बोथ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस लेवल आर सेम, तो मतलब ये रीडिंग दोनों का सेम आया हो और बता दिया रहता कितना आया है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि ताकि आप इजिली ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप आसानी से कर सको। तो ऐसे देखते रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।